मुबारक बहुत बहुत मुबारक। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। बहुत बहुत मुबारक सर। बहुत बहुत। आज हम लोग 75वीं इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं। 75 साल पहले हम लोग अंग्रेजों के गुलाम थे और लोगों ने उस वक्त के हिंदुस्तान में, जब ये पता नहीं था, सब ने कुर्बानी दी अंग्रेजों को यहां से निकालने के लिए। निकालना आसान नहीं था। 200 साल उन्होंने हुकूमत की, जुल्म किया, मगर फिर भी हिंदुस्तान के लोगों ने कभी हार नहीं मानी, हर वक्त लड़ते गए। वो इंडियन नेशनल आर्मी हो सुभाष चंद्र बोस जी के नेतृत्व में, या गांधी जी के नेतृत्व में जो आंदोलन शुरू हुआ, उसमें हम लोगों ने कामयाबी हासिल की। मगर कामयाबी हासिल करने के बाद जब मुल्क आसाद हुआ, इसके टुकड़े हो गए, मुल्क को एक रखना आसान नहीं था, बहुत मुश्किल था, और क्या क्या मुसीबतें नहीं थी। हम लोगों के पास खाने को नहीं था। हम लोग अमेरिका से सड़ा हुआ उनका खाना लाते थे, वो भी दिन था। मगर आज 75 साल के बाद देखिए, जो मुल्क एक सुई नहीं बना सकता था, सब अंग्रेजों के यहां से आता था, सब 75 साल में देखिए कहां पहुंच गया। आज हम न सिर्फ अपने लिए अनाज पैदा करते हैं, बल्कि दुनिया के उन लोगों के लिए भी भेजते हैं जहां अनाज की कमी है। अभी अभी पिछले साल कितनी दफा अफगानिस्तान को हमने यहां से आटा भेजा। हर वक्त एकदम चुनौती आई, जबकि एक छोटा मुल्क लंका के साथ मिलता है, उसके ऊपर आतंकवादियों ने हमला कर दिया जिसका नाम मालदीव्स है। हमारी फौज गई, सेना गई, उनको वहां से भगाया, मगर कभी उस मुल्क पर कब्जा नहीं किया, उनके हवाले कर दिया। ये थी हमारी बहादुरी। आज भी हमारे पर चुनौतियां हैं, ऐसी बात नहीं है। हर तरफ से हमें खतरा है, और जिस तरह से आप वीर जवान और अफसर इस देश की इस वक्त खिदमत करते हैं, अपनी जान के बलिदान देते हैं, ये कभी कोई भूल नहीं सकता। और बहुत बड़ी बात यह है कि आगे भी ये चुनौतियां हैं और होंगी, उसके लिए हमें तैयार रहना है, मजबूती से तैयार रहना है, क्योंकि इनको हमने हराना है, मगर देश की हिफाजत भी करनी है। देश ने अभी बहुत आगे चलना है। अभी भी हम सामान बाहर से लाते हैं, वो दिन आना चाहिए जल्दी जबकि हमें वो सामान बाहर से लाने के बजाय खुद पैदा करना चाहिए। मैं आपको अपनी तरफ से और अपने परिवार की तरफ से मुबारक देता हूँ आज के दिन पे, और उस परवरदिगार से जो हम सब का मालिक है दुआ करता हूँ कि हम लोग तरक्की करें, आगे बढ़ें, भाईचारे में रहें। ये देश हम सबका है, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबका है। और जब तक हम इकट्ठे रहकर इस देश को बनाएंगे, ये देश आगे तरक्की करेगा, वो बहुत ज़रूरी है। और आपसे भी कहता हूँ, आपको भी हिम्मत करनी है, आपस में मिलाप से चलना है, इस धरती को बचाना है उन लोगों से जो इसको हड़प करना चाहते हैं। मैं फिर से आपको इस दिन पे हार्दिक बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपके घर वाले भी खुश रहेंगे।